में बारह ईमान की सदके, चौदह मासूमों की सदके, से पाक गरीब नवाज वाली से पाक के सदके, जो ये बगम आज रखी गई शहरी की, अल्लाह ताला उसको खूब बरकत अता करें। आने वाले साल में मौला इससे भी बड़ी बगम सजाई जाए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके ये जो भी प्रोग्राम करवाया, अली बैतुल सलाम की सदके जो कर, गरीब नवाज की सदके जो कर, मौला इसको कबूल करे और अभी काशिफ देशमुख को अल्लाह ताला खूब खूब तरक्की अदा करे, खूब कामयाबी अदा करे, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में नाम हो जाए। अल्लाह ताला उनको जो उनका पेशा है अलग का, उसमें अल्लाह ताला इतना बुलंद करे कि अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रातों में तरक्की अता फरमाए, हर नजर बस से बचाए, दुश्मनों की दुश्मनी हासिदों के हसद से बचाए, अल्लाह ताला खूब कामयाब करे। बिहक्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम अंधेरी क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तार की और सहरी की गूंज है पूरे मुंबई शहर के अंदर। और लेकिन काफ़ी दिनों बाद जो है मौलाई मिशन के बाबा जान हमारे साथ में इत्तेफाकन मिल गए। काफ़ी दौरा इनका जो है बाहर का रहा है, बिहार का दौरा रहा, उसके पहले जो है रोज़ा मौला अली के यहाँ पर ये गए थे। बाबा, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में बहुत दिन के बाद आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस महीने को लेकर के? पहली बात तो आपको भी रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। मेरा तो पहला मसला यही है कि मैं तमाम वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के सुनने वालों को रमज़ान मुबारक कहता हूँ। दूसरी बात के इस महीने में खास तौर पे ख्याल रखें, ये मैं तमाम लोगों को फिर से बता रहा हूँ, किसी भी मौलवी मुल्ला को जकार सदका फितरा ना दे, ये गरीब मिस्किन यतीम का हक है, उन्हीं को दे, किसी भी मदरसे और मस्जिद को चंदा ना दे। ये मेरा स्ट्रिक्टली वार्निंग है, क्योंकि गरीबों का हक गरीबों को मिले, कुरान भी यही कह रहा है, अल्लाह के रसूल भी यही कह रहे हैं। ये मौलवी पैसा तुमसे ले जाते हैं, 60% खुद रखते हैं, 40% मदरसे को देते हैं, कितने लोगों के पास पावती नहीं है, कुछ नहीं। तो अपने पैसे की हिफाजत करें और उनको दें जिनका हक है, कि जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। मौलवी मुल्ला को देने की जरूरत नहीं। बाबा जान, आप फिर मौलवी मुल्ला की बात करने लगे, आप सुन्नियों के विरोध में है मुझे पता है, लेकिन जब सारे उलमाए दीन ये कह रहे हैं कि जकात फितरे का पैसा गरीबों को जाना चाहिए, तो आप इस तरह से वार्निंग देकर के क्या जताना चाह रहे हैं समाज के लिए? मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मेरा ये बोलने मतलब है, जितने फर्जी मौलवी मुल्ला घूम रहे हैं जिनके ना कोई मदरसे का पता है ना मस्जिद का पता है, रसीद बनाकर ले जाकर, और मैं एक बात बोलूं, मदरसे को ही चंदा जकात सदका क्यों दिया जाए? आप जकात के सदके से पैसे से आप एक आलिम बना रहे हो, तो जो सदका जकात खा के आलिम बनेगा वो कितना सच बोलेगा? क्यों नहीं हमारे कौम के बड़े लोग कोई मदरसा चलाएं या मस्जिद चलाएं? जकात सदका हक गरीब है, यतीम का है, मिस्किन का, बेवा का, उसको मिले। मगर सारा आज सालों से आज मौलवी पैसा खा जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपया खा जा रहा है। तुम्हारे पास एक भी अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे कॉलेजेस हैं, मुसलमानों के लिए क्या मिला? मदरसे जो आपस में लड़ा रहे, देवबंदी जमाती बरेली आदि, यही उम्मत का क्या फायदा हो रहा है इसमें? गरीब आज गरीब की बेटियां भाग जा रही हैं, देख लो माहौल क्या बना हुआ है, कितने लोग मुर्तद हो गए, क्यों? क्योंकि आज उनको देखने वाला कौन है, संभालने वाला कौन है, कितने लोग इलाज के लिए मर जा रहे हैं। तो यतीम मिस्किन गरीब को पैसा नहीं मिल रहा, ये दर्द है हमारा, ये वार्निंग थोड़ी ना है। और मैं तो ये आज 5 साल से चला रहा हूं, जकात माफिया बायकॉट करो, मत तो इनको मौलवी मुल्ला को पैसा देने की जरूरत नहीं। बाबा जान, जिस तरीके से ये जो जकात और फितरे का जो मामला, रमजान का जो महीना है, ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, और आप कहीं ना कहीं जुम्मा 8 दिन उठ के आने के बाद में आप उन परंपराओं को तोड़ने की बातें करने लगे। मैं ये बोलता हूँ कि मुझको जुम्मा 1 दिन हुआ, 8 दिन आपने ज्यादा बोल दिया, 7 दिन आपने ज्यादा निकाल दिया। मैं ये बोलता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि आपके इलाके में यतीम गरीब मिस्कीन है कि नहीं, वो ऐसे लोग हैं कि नहीं जो रमजान में कपड़ा भी नहीं खरीद पाते होंगे, ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनके राशन भी नहीं होते होंगे, बेचारे सहरी नहीं कर पाते होंगे, इफ्तार उनकी क्या होती होगी, आपको ये मालूमात है क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, आप गली गली घूमते हैं, आप जानते हो। उसके बावजूद हमारा पैसा उस मदरसे को जाता है जिसका मौलवी 60% अपने पास रखता है, 40% मदरसे को देता है, तो ये दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? एक यतीम मिस्किन गरीब का हक अगर मौलवी मार लेगा तो दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? और ये आज ये नई परंपरा नहीं है, ये बड़े जो अच्छे लोग रहे हैं ना उम्मत में, जिनको उम्मत का दर्द था, मौला अली अलैहि सलाम अपने कांधे पर राशन ले जाके गरीबों के घर में रात रात में रख के आते थे, खलीफा दुअम रख कर आते थे, तो ये लोग कौन थे? ये गरीबों का दर्द नहीं था इनको? ये रसूल के बच्चे थे, इनको दर्द नहीं था? इन्होंने हमको दर्द नहीं दिया कि रातों में जाके आप गरीबों के घर में राशन रख कर आओ? तो ये तो मैं तो 1400 साल की बात बता रहा हूँ, आप मुझको 8 और जुमा 8 दिन की बात आप मौलवियों की कर रहे हैं, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ।
बाबा जान जिस तरीके से उलमाए दीन की जब बात होती है और उलमाए दीन जो बातें करते हैं, समाज एक बहुत बड़ा तबका है भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो उनको मानता है, उनको फॉलो करता है, तो कैसे आपको लगता है कि आप जो कह रहे हो उसको लोग मान जाएंगे? नहीं, मैं अपने दिल की बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाबा जान के बाप को मान लो, दादा को मान लो। मैं ये कह रहा हूं कुछ जो हक है वो मान लो। अगर समाज में एक बहुत बड़ा तबका था तो उस तबके को बिखेरा किसने, उनको लड़ाया किसने, उनको मसलकों में बांटा किसने, उनको फिरकेबंदियों में लड़ाया किसने? एक घर में अगर दो भाई हैं और एक तबलीगी हो जाए, एक बरेली रह जाए, तो दोनों में आपस में ऐसी दुश्मनी डाल दी गई कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, एक दूसरे की मैयत में नहीं जा सकते, एक दूसरे से रिश्तेदारी नहीं कर सकते। तो ये रसूल की उम्मत को आपस में इख्तलाफात में डाला किसने, ये कौन कर रहा है? बाबा जान जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, हम भी उसी चर्चा कर रहे हैं कि आप पहले तो सुन्नियों को टारगेट करते थे कि सुन्नी उलमाओं का ये है, लेकिन उलमा जो है वो 2400 में भी है, अहले हदीस में भी है, सारी जमातों के उलमा, तो क्या आपकी नजर में ये सारे उलमा ही गलत है क्या? मैं ये मुझको एक बात बताओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नती होगा, 73 फिरका। आप किसी को सर्टिफिकेट आसमान से उतरा है क्या कि फला फिरका जन्नती है, फला फिरका जन्नती है? कोई नहीं बता सकता है। वही फिरका जन्नती है जो रसूल और आले रसूल को मानता हो, जो हक पे हो, वही फिरका जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह है, जो उसमें सवार हो गया जन्नती, जो छूट गया हो जहन्नमी। तो एक बात ये खत्म हो जाती है कि आप ये मत पूछो मैं सबको टारगेट कर रहा हूं। मैं हर उस इंसान को टारगेट कर रहा हूं जो मुसलमानों को गलत दिशा में लेके जा रहा है, मसलकी बना रहा है, फिरका वारियत सिखा रहा है, यजीदियत सिखा रहा है, नाजबियत सिखा रहा है, खारजियत सिखा रहा है। अली अली करना शियत हो गया, हुसैन हुसैन करना शियत हो गया, नबी के बच्चों का नाम लेना शियत है, तो सुन्नियत क्या है? तुम क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? मैं गुमराहों को पूछ रहा हूं, आप मुझको ये मत बोलिए कि मैं इनमें इंतशार पैदा कर रहा हूं। मैं अवाम को हक पे लाना चाहता हूं, सच्चे दीन पे लाना चाहता हूं। करबला के बाद दो ही दीन है, एक हुसैनी एक यजीदी। मैं लोगों को सच दीन बताना चाह रहा हूं, मुल्ला का दीन यजीदी है और ये अल्लाह का दीन हुसैनी है। चलिए, जिस तरीके से बाबा जान ने काफी हॉट टॉपिक पे जो है बात की है, कहीं ना कहीं जो परंपरागत तरीके से हम पूरे भारत में पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि उलमाए दीन का जो अपना नजरिया है इस्लाम को लेकर के वो डिफरेंट डिफरेंट तो है, लेकिन बाबा जान जो बात करते हैं वो वेरी डिफरेंट बात होती है, लेकिन कितना समाज उसको समझ पाएगा, कितने लोग उसको मान पाएंगे आने वाले दिनों में, क्या इस तरह की बातें कर देने से पॉसिबिलिटी है कि बदलाव होगा, बदलाव होगा या नहीं होगा ये हम भी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं उसको उलमाए दीन अच्छी तरह से समझते हैं। और बाबा जान फिर एक बार जो उसी मुद्दे को लेकर के आपने रमजान के महीने में और वो भी शहरी के वक्त में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की उसके